बम बम भोले के जयकारों के बीच गूंजता भगवती नगर का बेस कैंप। बाबा अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का पहला जत्था बुधवार सुबह रवाना हो गया। श्रद्धालुओं का जत्था जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से कड़ी सुरक्षा के बीच रवाना हुआ। राज्यपाल के दो सलाहकार विजय कुमार और बीबी व्यास ने अमरनाथ यात्रा के पहले जत्थे को हरी झंडी दिखाई। मेरी ये पहली यात्रा है और इस यात्रा को लेकर हम में जोश है, उमंग है, जुनून है और उत्साह भी है। अमरनाथ यात्रा के दौरान आतंकी हमले के खतरे को देखते हुए सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। इस बार अमरनाथ यात्रियों की गाड़ियों के साथ सीआरपीएफ का बाइकर स्क्वाड भी साथ साथ चलेगा। यात्रियों की सुरक्षा को देखते हुए कश्मीर में एनएसजी कमांडो के साथ साथ पूरे राज्य में सुरक्षा बलों को तैनात किया गया है। भोले के भक्तों को भी सुरक्षा बलों पर पूरा भरोसा है और यात्रा का उत्साह भी देखने को मिला। हमें कोई डर नहीं, कोई कुछ नहीं आ जी, हम निश्चिंत होकर जा रहे हैं। हमें कोई लोग कहते हैं उग्रवाद, ये को हमारे लिए कुछ नहीं है, क्योंकि आपने ये बात सुनी कि मौत से वो डरते हैं जिनके शरीर में प्राण होते हैं। हम तो भोले बाबा के लिए चले हैं जो मौत को देखकर भी हंसते हैं। जय भोले बाबा। यात्रियों का ये जत्था कश्मीर के गांदरबल स्थित बालटाल और अनंतनाग स्थित नुनवान पहलगाम आधार शिविर पहुंचेगा, जिसके बाद 28 जून को ये यात्री पैदल ही करीब 4000 मीटर की ऊंचाई पर स्थित बाबा बर्फानी की गुफा के लिए रवाना होंगे। यात्रा करीब 2 महीने तक चलेगी। कैमरामैन विकास के साथ अमित अजरावत की रिपोर्ट, जम्मू लिंक्स न्यूज़।